अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ जो है बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर जो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की कैटेगरी में से है। इसमें पेशेंट्स को जो है बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन आ रहे होते हैं उनकी बॉडी से रिलेटेड जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको लेकर। अक्सर पेशेंट ऐसे देखे गए हैं जो मुख्तलिफ इकसाम के डॉक्टर के पास जाते हैं और अपनी जो है किसी एक बॉडी पार्ट की प्रॉब्लम को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फीमेल्स के अंदर ये जो है ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि अगर उनके फेस के ऊपर कोई पिंपल निकल आया तो वो जो है मुख्तलिफ जो है डॉक्टर्स के पास जाएंगे, मुख्तलिफ स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, इसकी अद्वियात का इस्तेमाल करेंगे और मुख्तलिफ देसी टोटकों का भी इस्तेमाल करेंगे। इनकी जो ड्रेसिंग टेबल होता है वहाँ पर बहुत सारी प्रोडक्ट आपको मिलेगी, कुछ देसी और कुछ जो है डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन अद्वियात भी। फिर वो उनको लगाएंगे और रोज़ाना जो है बार बार मिरर के आगे जाएंगे, चेक करेंगे और अपनी जो घर में जितने भी अफराद होते हैं बार बार उनसे जाकर पूछेंगी कि मेरा जो पिंपल है वो कम हो गया, नहीं हुआ, ये बहुत बढ़ता जा रहा है, मुझे किसी नए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इस तरह के जो पेशेंट होते हैं उनमें जो ऑब्सेशन होते हैं बॉडी को लेकर, वो जो होते हैं बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर की कुछ सिम्टम्स होती हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे गए हैं जो अपने नोज़ और चिन को लेकर जो है मुख्तलिफ जो है सर्जन्स के पास जा रहे होते हैं और उनसे कहते हैं मेरी जो चिन है या मेरा जो नोज़ है वो प्रॉपर शेप में नहीं है, इसे कैसे प्रॉपर शेप में किया जाए। इवन के सर्जन के पास सर्जरी करवाने के बाद भी वो सेटिस्फाई नहीं होते, एक सर्जरी, दो सर्जरी, तीन सर्जरी, इवन के 10-10, 20-20 सर्जरी भी ये करवा लेते हैं और इवन के बाज़ दफ़ा तो इन पेशेंट्स को सर्जरी के साइड इफेक्ट को भी फेस करना पड़ता है, क्योंकि एक ही चीज़ की अगर बार बार सर्जरी होती रहे तो वो जो है सर्जरी उनके लिए नुकसानदेह हो सकती है। अगर किसी पेशेंट्स के अंदर इस तरह का ऑब्सेशन है और फैमिली मेंबर में से या बाहर से किसी ने जो है कमेंट पास कर दिया कि आपका वेट जो है बढ़ रहा है, तो इस तरह के पेशेंट जो है सबसे पहले तो मिरर चेकिंग करेंगे, जाकर अपने बॉडी के पार्ट्स को, पेट को जो है चेक करेंगे कहाँ से बढ़ रहा है, किस कितना बढ़ गया है, क्या हुआ, क्यों किसी ने रिमार्क्स दिए, और फिर जो है घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं उनसे पूछेंगे। उनकी फैमिली मेंबर जो है उन्हें पॉजिटिव रिमार्क्स भी देगी लेकिन वो नहीं मानेंगे इस चीज़ को। फिर जो है वो डाइट करना शुरू कर देंगे, मुख्तलिफ फूड सप्लीमेंट लेंगे वेट को लॉस करने के लिए, और फिर आए दिन जो है उनका वेट कम होता रहेगा और वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश होंगे, लेकिन वो उस बात के ऊपर फिर कंसंट्रेट करेंगे, मुझे जो है इस शख्स ने, इस इंसान ने, इस लड़की ने, इस लड़के ने, इस बहन ने, इस भाई ने जो है मुझे रिमार्क्स पास किया था कि आप मोटी हो रही हो, मोटे हो रहे हो, तो मेरे अंदर अभी भी जो है अभी वेट में गेन किया हुआ है, मुझे अभी जो है फुली सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। तो फिर वो क्या करेंगे, अपनी न्यूट्रिशन को इतना के स्ट्रिक्ट कर देंगे कि जितनी उन्हें एक दिन में कैलोरीज लेनी होगी वो भी नहीं लेंगे। और इसकी बहुत सारी ऐसे सिम्टम्स हैं जो एनोरेक्सिया नर्वोसा डिसऑर्डर के साथ सिमिलर होती हैं। इसी तरह जो हैं बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखेंगे हैं जो मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास विज़िट करते हैं और वहाँ से अद्वियात ले लेकर घर वालों को भी परेशान करते हैं, खुद भी परेशान होते हैं, इवन कि इनकी पर्सनल सोशल ऑक्यूपेशन लाइफ बहुत हद तक डिस्टर्ब हो जाती हैं। ये जो है डोर टू डोर डॉक्टर्स के पास विज़िट करते हैं, अगर इनकी रिहाइश फैसलाबाद में हो तो ये फैसलाबाद के सारे डॉक्टर चेक करने के बाद तो लाहौर में चले जाएंगे, लाहौर में सारे डॉक्टर्स विज़िट करेंगे और उसके बाद कराची, इस्लामाबाद, जितने बड़े बड़े डॉक्टर्स होंगे, जो भी उन्हें बड़े बड़े डॉक्टर्स के बारे में बताएगा, इन्फॉर्मेशन देगा, वहाँ तक ये अप्रोच करते हैं और वहाँ से अपनी ट्रीटमेंट शुरू करवाने तक चले जाते हैं। तो इसके पीछे डिफरेंट काजेज़ हो सकती हैं, जेनेटिक्स हो सकती हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो अब मैं बात करता हूँ ट्रीटमेंट की। पहले नंबर पर तो इन पेशेंट्स के अंदर अगर इनसाइट हो भी तो ये जो है साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के पास नहीं आते, ये अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास विज़िट करते रहते हैं ये तब साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से कांटेक्ट करते हैं इस तरह के पेशेंट, जब जो है इनके जो डॉक्टर्स होते हैं जो इन्हें फाइनली रिकमेंड कर देते हैं कि आप जो है अब किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास एक बार विज़िट करें, क्योंकि इस तरह के पेशेंट्स के अंदर ये ऑब्सेशंस होते हैं कि अगर इस डॉक्टर के पास से मुझे आराम नहीं है तो मुझे जो है डॉक्टर चेंज कर लेना चाहिए। तो ये जो है बहुत मुश्किल से जो है सेटिस्फाइड होते हैं किसी साइकोलॉजिस्ट और किसी साइकेट्रिस्ट के पास मेडिकेशन लेने से, क्योंकि
इनके अंदर इनसाइट होने के साथ भी जो है ये बहुत ज़्यादा और प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं। इन पेशेंट्स के अंदर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, एनजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, और इवन के बाज़ दफ़ा ऐसे पेशेंट भी देखे गए हैं जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी हो जाते हैं। तो जब इन्हें रेफ़र किया जाता है और ये साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास आते हैं, तो साइकेट्रिस्ट इन्हें मेडिसिन प्रस्क्राइब करता है। साइकोलॉजिस्ट सबसे पहले जो है इनकी फैमिली काउंसलिंग करता है, क्योंकि इस तरह के पेशेंट जो हैं मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास अकेले नहीं जाते, वो किसी न किसी को अपने फैमिली मेम्बर्स को साथ लेकर जाते हैं। तो इसलिए साइकोलॉजिस्ट सबसे पहले फैमिली काउंसलिंग करता है और उसके बाद जो है पेशेंट्स के अंदर इनसाइट डेवलप करता है, और फिर जो है इनसाइट डेवलप हो जाने के बाद प्रॉपर जो है थेरेप्यूटिक प्रोसीजर को स्टार्ट करता है और इनके स्ट्रेसेस को आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर वर्क करता है। तो जिन पेशेंट्स के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम है कि वो मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास अपनी जो है फिजिकल बॉडी से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स को लेकर विजिट करते, जिन पेशेंट्स के अंदर इस तरह के सिम्टम्स हैं और वो मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास जो है उस प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो जो है साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से कॉन्टैक्ट करें और फिर उनकी मेडिकेशन और उनके थेरेप्यूटिक प्लान के ऊपर वर्क करें, क्योंकि इस तरह के पेशेंट्स के लिए जो है साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट जो है ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि बाकी डॉक्टर्स की अदवियात जो है इतना इफेक्ट नहीं करती जितनी साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की जो है साइकोथेरेप्यूटिक प्लान जो है इफेक्ट करता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान।